मायरा कत्ल केस की गुत्थी सुलझ गई। मरकजी मुलजिम जाहिर जदू ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। मायरा को 3 मई को कत्ल किया। मुलजिम जाहिर जदून का एतराफी बयान। मायरा के कत्ल का उसके दोस्त इकरा को भी इल्म था, जबकि मायरा का फैमिली के साथ 2 साल से राबता नहीं था। मायरा की जान से मुलजिम को ब्लैकमेल किया जाता रहा। लाहौर पुलिस ने दावा किया कि मायरा के दोस्त और मुकदमा कत्ल में नामजद मुलजिम जाहिर जदून ने दौरान हिरासत कत्ल का एतराफ कर लिया और बताया कि रवा साल के शुरू से ही उनके दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कोई रब्ता ही नहीं था। वाकये के बाद भी मायरा नशे की हालत में थी और झगड़ा किया, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। मायरा की दोस्त इकरा ने सारा वाकया अपनी आंखों से देखा। पुलिस तफ्तीश के दौरान इकरा ने 2 मरतबा अपना बयान बदला। अपडेट करते चले आपको लाहौर में मायरा कत्ल केस के हवाले से, तो केस की गुत्थी सुलझ गई। मरकजी मुलजिम जाहिर जदू ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया। मायरा को 3 मई को कत्ल किया। मुलजिम जाहिर जदून का एतराफी बयान। मुलजिम कहता है कि मायरा के कत्ल का उसके दोस्त अफरा इकरा को भी इल्म था। मायरा का फैमिली के साथ 2 साल से राबता नहीं था। मायरा की जान से मुलजिम को ब्लैकमेल किया जाता रहा। लाहौर पुलिस ने दावा किया कि मायरा के दोस्त और मुकदमा कत्ल में नामजद मुलजिम जाहिर जदून ने दौरान हिरासत कत्ल का एतराफ कर लिया और बताया कि रवा साल के शुरू से ही इनके दरमियान झगड़ा हुआ था।